वरी अबाउट द पोस्टमार्टम टाइम लेटर ऑन, एट दिस टाइम आप लोगों को मोबिलाइज करें, क्रेडिबिलिटी लाएं। यही रुकिए, आई डिसएग्री, बिकॉज एनडीएमए के बारे में यहाँ पर एक सवाल, एक सेकंड, ही आस्क्ड मी, लेट मी आंसर, आप अपनी टर्न वेट कीजिए, आई एम रिस्पोंडिंग टू, नो ही आस्क्ड मी, आप थोड़ा वेट कीजिए ना, इफ दिस इज गोइंग टू बी शाउटिंग मैच, कैटरीना साइक्लोन आया था, एक मिनट, एक मिनट, फाइन, लेट्स हैव अ शाउटिंग मैच, साइक्लोन आया था वहां, आपको याद है अमरीका में क्या सूरत हाल बनी थी, विच इज द मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्री, which is the richest nation, which has the largest economy, and where the government is most credible. आप मुझे बताइए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल थी। देखिए, अगर आपने मुझसे पूछा है, मतलब एज एन एनालिस्ट में बताता हूं, मैं बताता हूं, कैटरीना का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी उस इलाके की, उसकी नीड असेसमेंट पूर थी। यूएस मरीन्स और यूएस नेवी जो थे, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक स्टेट गवर्नमेंट मदद ना मांगे, चूंकि वहां पे स्टेट ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा, उन्होंने मदद नहीं मांगी उन फेडरल गवर्नमेंट से, उन्होंने मदद मांगते मांगते देर की क्योंकि उनकी नीड असेसमेंट स्लो थी। अगर वो पहले मदद मांगते तो अमरीका की फेडरल गवर्नमेंट बहुत तेजी से उसमें हरकत करती। हमारे यहां वो इशू नहीं, हम भी यही कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स की नीड असेसमेंट जो थी स्लो थी। देखिए, अगर देखिए इसी तरह की एक्सप्लेनेशन आपको, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन हमारी गवर्नमेंट भी दे सकती है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, देखिए हमारे यहाँ ऑटोनॉमी, हमारे यहाँ ऑटोनॉमी का ये कहाँ कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ ऑटोनॉमी का ये कहाँ कॉन्सेप्ट है। इमीडिएट परसेप्शन क्या बना था कैटरीना के बारे में मुझे बताइए, नाम सामने आया कि नहीं पहुंच रही मदद, मैंने आपको काले और जनाब गोरे का मसला पैदा हो गया, उसकी वजह बताई कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसका रिस्पांस जो था वो नीड असेसमेंट नहीं कर सकी। वही बात जो मारवी ने जहां से शुरू की, नीड असेसमेंट नहीं की स्टेट गवर्नमेंट ने, उन्होंने अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट से, वाशिंगटन से मदद मांगने में देर की। आप समझते हैं कि ये जो फ्लड आया हुआ है इसकी नीड असेसमेंट हो सकती थी। देखिए ना, अगर अगर इक्कीस जून को इतना बड़ा किसी को अंदाजा नहीं था, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो तरीके होते हैं, आ रहा है, लेकिन इस तरीके का नहीं आ रहा है कि तमाम पुल बह जाएंगे, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। यहाँ तो बहुत से ऐसे शहर हैं जो असर ना तामीर करने को रिस्पॉन्ड तो करने दीजिए, दिस इज द होल पॉइंट कि जब आपको नीड असेसमेंट करनी ही नहीं आती, आप में इतनी एक्सपर्टीज और अकल ही नहीं कि आपकी हुकूमत नीड असेसमेंट करे, और आपको तरीके ही नहीं आते, तो फिर आगे आपके साथ क्या बातचीत कर सकते हैं। इन्होंने जो एनडीएमए की बात की, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, एनडीएमए का इशू ये कि अभी जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि किसी को अभी तक यही नहीं समझ में आया कि एनडीएमए का रोल क्या है। एनडीएमए का रोल प्योरली जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें, उसमें एक कोऑर्डिनेटिंग रोल है, उसके अपने कोई डेट्स वो नहीं है, दे डोंट हैव लाइक 15,000 फुट सोल्जर्स जिनको वो डिप्लॉय कर सकते हैं। यही काम, प्लीज मैं आपको नहीं इंटरप्ट किया, आप प्लीज सुन लें सुकून से। पॉइंट ये है कि वो अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जब उनसे कोई रिक्वेस्ट की जाती थी तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास जाते हैं। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी इतनी, प्लानिंग कैपेसिटी, नॉट पैसे की कैपेसिटी, प्लानिंग कैपेसिटी वीक है, मैंने जो अपने 6 दिन के दौरे में नोट किया, जो इंफॉर्मेशन मिनट टू मिनट प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जा रही थी, एनडीएमए के चीफ पे जा रही थी, फ्लड रिलीफ कमिश्नर के पास जा रही थी, और पीएमएल के दफ्तर में जा रही थी, हम हेल्प कर रहे थे, हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि ये आपके गड़बड़ है, ये सिस्टम्स में फ्लॉज हैं, सिस्टम के फ्लॉज को सीधा करें। जब सिंध सैलाब पहुंचने से पहले ही हमने सिंध की एनालिसिस सिंध की हुकूमत को दी, सिंध की हुकूमत का थोड़ा सुन लें, सिंध की हुकूमत के अगर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी सैलाब जो है बादशाह है, वो जिस मर्जी जिस डायरेक्शन में जाए, हाँ मतलब जो ये जो है रिवर जो है बादशाह है, जिस मर्जी जहां जाए हम कुछ कर नहीं सकते, मीनिंग आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए नहीं। उनको 40 करोड़ रुपए दिए गए 2 दिन पहले, 40 करोड़ कैसे स्पेंड होंगे, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी होगी, वो पैसे किधर गए। जहां जहां हम जा रहे थे वहां थोड़ी थोड़ी पिचिंग की एफर्ट्स हो रही थी, और लोगों ने, विलेजर्स ने कहा कि ये उनके वर्ड्स थे, वो बच्चे इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहे थे कि अदी ये शो पीस एफर्ट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं होना है, नीचे से बह जाएगा। एक दिन बाद हर जगह अनफॉर्चुनेटली जहां मैं जा रही थी नेक्स्ट डे पानी आ रहा था उस जगह में, और वो यही मुझे फोन पे इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि वो सारे शो पीस एफर्ट थे। आई हैव नॉट, आई व्हाट आई वांट टू से इज इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज असेसमेंट। इस मुल्क में अगर गवर्नमेंट यही नहीं बता सकती कि इतने क्यूसिक, आपको नहीं पता 11 लाख क्यूसिक आ रहे हैं,
11 लाख क्यूसिक अगर आ रहा है तो कैलकुलेशंस होती हैं। मैं पूरी रात जो है सखर बरात जो है हम 10 बजे से कोई 11 बजे तक हमारी मीटिंग हुई इंजीनियर्स के साथ टू अंडरस्टैंड कि उनकी क्या डैमेज असेसमेंट्स हो रही थी, उनकी क्या प्रेपरेशंस हो रही थी। ये टेक्निकल चीजें इंजीनियर्स का काम है, उन्होंने जो किया वो नहीं पूरे उतरे उसमें, क्योंकि आज जो सखर बराज का हाल हुआ वो आपके सामने है। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं।